बैठिए बैठिए बैठिए, आप भी बैठिए। माननीय सांसद बैठ जाइए, कृपया अपनी बारी आने का इंतजार करें। ये शब्द आपने संसद के सत्र में अक्सर सुने होंगे और इस समय सिर्फ इन्हीं शब्दों को बोलने के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन में बहस हो रही है। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। 26 जून 2024 को लोकसभा के स्पीकर पद के लिए चुनाव होने हैं, जिसके लिए कई उम्मीदवारों की रेस अभी से शुरू हो गई है। 9 जून को मोदी 3.0 का गठन गठबंधन के साथ हुआ था, जिसके बाद 24 जून को नए सत्र की शुरुआत होने वाली है। जैसे इस बार के लोकसभा चुनावों में कई सारी चौंकाने वाली बातें सामने निकल कर आई हैं, ठीक उसी तरह स्पीकर पद को लेकर भी कई सारी बातें धीरे धीरे उजागर हो रही हैं। एक तो एनडीए, जिसमें मुख्य रूप से बीजेपी, जेडीयू और टीडीपी आती है, इनमें आपस में ही स्पीकर पद को लेकर सहमति नहीं बनती दिख रही है, तो वहीं एनडीए और इंडिया गठबंधन भी स्पीकर पद को लेकर आमने सामने खड़ा है। हालांकि दोनों में सहमति बनने की कवायद लगातार जारी है, लेकिन विपक्ष लगातार डिप्टी स्पीकर पद के लिए जोर दे रहा है। बता दें कि इस बार विपक्ष के पास 233 सीटें हैं और सत्ताधारी एनडीए के पास सिर्फ 293 सीटें हैं, जिसकी वजह से विपक्ष जो काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहा है। और लोकसभा में अपनी बढ़ी हुई ताकत से उत्साहित विपक्षी गठबंधन अब आक्रामक रूप से उपाध्यक्ष पद की मांग कर रहा है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि अगर सरकार के साथ किसी विपक्षी नेता को उपाध्यक्ष बनाने पर सहमति नहीं बनी तो वो लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। बता दें कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून को शुरू होगा और इस दौरान नव निर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे और लोकसभा अध्यक्ष की भी नियुक्ति की जाएगी। लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया के पास 233 सीटें हैं, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के पास सिर्फ 293 सीटें हैं और इन्हीं सीटों के साथ एनडीए ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की है। 16 सीट के साथ तेलुगुदेशम पार्टी और 12 सीट के साथ जनता दल यूनाइटेड, वहीं 240 सीटें जीतने वाले भाजपा की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टियां हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया भाजपा की सहयोगी टीडीपी पर लगातार दबाव बना रहा है कि वो लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करे, तो वहीं टीडीपी इस पद के लिए आम सहमति वाले उम्मीदवार का समर्थन करने के पक्ष में है, लेकिन जेडीयू ने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भाजपा उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा पहले ही कर दी है। रविवार को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। सूत्रों का कहना है कि सरकार नहीं चाहती है कि लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के मुद्दे पर टकराव हो, लेकिन सब कुछ विपक्ष पर निर्भर करता है। साल 2014 और 19 में भाजपा बहुमत में आई थी। 2014 में सुमित्रा महाजन लोकसभा अध्यक्ष बनी थी, तो वहीं AIADMK के एम थिम्बुदुरई को उपाध्यक्ष चुना गया था, लेकिन 2019 यानी कि 17वीं लोकसभा में ये पद खाली था। दूसरी ओर यूपीए के दौर में भाजपा के चरणजीत अटवाल 2004 में और करिया मुंडा 2009 में उपाध्यक्ष बनाए गए थे। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अगर इस दफा चुनाव होता है तो ये आजाद भारत के इतिहास में पहली बार होगा। विपक्ष की ओर से इस तरह के संकेत पहले ही दिए जा चुके हैं। इससे पहले अब तक लोकसभा अध्यक्ष का चयन आम सहमति से होता आ रहा है। खैर, 2024 के लोकसभा चुनाव में कई सारे अपवाद सामने निकल कर आए हैं और अगर अब भी स्पीकर पद के लिए चुनाव होता है तो ये भी किसी अपवाद से कम नहीं होगा। लोकसभा स्पीकर पद को लेकर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता।